Aziz बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सिलसिला शुरू किया था MCQs का और वो पास पेपर उठाया था 2018 IBA का JEST का पेपर। उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद उस पेपर के मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन आया था, एन इंसेक्ट पॉपुलेशन इन अ लैब 2^16 इंसेक्ट्स, इफ द पॉपुलेशन डबल हाउ मैनी इंसेक्ट विल हेयर बी। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि टोटल पॉपुलेशन लैब में कितनी थी इंसेक्ट की, कितनी थी, 2^16। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि अगर वो डबल हो जाती है, डबल कैसे होगी, हम उसको 2 से शो करेंगे ना। ठीक है, अब आगे ये कैसे सॉल्व होगा, हमने लेना है नंबर को कॉमन ले लिया। ठीक है, पावर का क्या करना है, पावर हो जाती है प्लस 16 के साथ, ये कितनी मर्तबा है, एक मर्तबा, हमने क्या रखना है 1। आंसर क्या है हमारे पास, 2^17। ठीक है, कहाँ मौजूद है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ ए इज इक्वल टू पी प्लस पी आर टी देन टी इक्वल, यानी टी किसके इक्वल है इस इक्वेशन में ना। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले इक्वेशन के जो रूल है उसे देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन में एक साइड होती है लेफ्ट और एक होती है राइट ना। ठीक है, अब लेफ्ट की तरफ अगर कोई नंबर या लेटर प्लस में है, जब हम इसकी जगह चेंज करेंगे राइट की तरफ लाएंगे तो किस में चला जाएगा, वो माइनस में। अगर वो माइनस में है और हमने जगह चेंज की इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए, तो किस में आ जाएगा, प्लस में। ठीक है, अगर कोई लेटर या नंबर डिवीजन में है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और अगर मल्टीप्लाई में है, जगह चेंज की, किस में आ जाएगा, डिवीजन में। ठीक है, अब इसी रूल को देखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले काम करते हैं, हम इनकी साइड को चेंज कर देते हैं, मतलब कैसे, पी प्लस पी आर टी इज इक्वल टू ए। ठीक है, कोई फर्क पड़ा इन दोनों पे, नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, अभी मैंने बताया कि अगर कोई लेटर या नंबर प्लस में, या मैं प्लस में नजर आ रहा है ना, मतलब कोई साइन नहीं है प्लस में, तो बाकी चीजों को हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, हमने बाकी चीजों को वैसे ही लिखा। ठीक है, हमने जगह किसकी चेंज की, पी की, पी किस में है, प्लस में, क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो गया यहां तक माइनस। ठीक है, अब हमें कंप्यूट करने को क्या कहा जा रहा है, टी की वैल्यू कंप्यूट करने को कहा जा रहा है। टी को हम इसी साइड पे रहने देते हैं और बाकी चीजों का क्या करेंगे, ये वैसे ही लिखा, पी आर और टी, पी आर और टी ना, टी को हमने यही रहने दिया, पी आर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, किस में चला जाएगा, डिवीजन में। डिवीजन मीन फ्रैक्शन, पी आर, ये हो गया आंसर, यानी टी की वैल्यू हमारे पास आ गई ए माइनस पी अपॉन पी आर। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन हमारे सामने है कि टॉम हैज ट्राइंगल शेप दी हुई है, इतने मार्बल्स हैं उसके पास। ठीक है, बॉब हैज 10 मार्बल्स, टॉम हैज मोर 3 मोर मार्बल्स देन बॉब, विच नंबर सेंटेंस इज करेक्ट। अब ए बी सी और डी दिया हुआ है ऑप्शन, हम इसे सॉल्व करके चेक करते हैं कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है। टॉम के पास कितने मार्बल हैं, टॉम के पास मार्बल की जो तादाद दी गई है वो हमें ट्राइंगल शेप में दी गई है। ठीक है, और बॉब के लिए कहा जा रहा है उसके पास 10 है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि 3 मोर मार्बल्स आ गए किसके पास, टॉम के पास 3 मोर मार्बल। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, 3 प्लस ट्राइंगल इज इक्वल टू ट्राइंगल शेप इज इक्वल टू 10। उसी पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द एक्चुअल विथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यूज द स्केल ड्राइंग ऑफ द रेक्टेंगल टू फाइंड द एक्चुअल लेंथ। ठीक, हमें जो है पिक्चर में नजर आ रहा है कि 1.2 जो है वो दी हुई है विथ
और 3.6 जो दी हुई है वो है लेंथ। ठीक है, एक्चुअल लेंथ हमें कंप्यूट करनी है और एक्चुअल विथ हमें दी गई है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअल 18 है और वैसे जो है विथ हमारे पास है 1.2 जो कि इक्वल हो रही है 18 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब अगर हम लेंथ मालूम करना चाहें तो कितने गुना ये ज्यादा है, 1.2 तो है लेकिन कितने गुना ये लेंथ से ज्यादा है, लेंथ हमें गिवन है 3.6 ना। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 1.2 से, आंसर हमारे पास आएगा 3। इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, वैसे कि डिवाइड हो रहा है कैसे, वन टाइम यानी इसको अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 आ गया। ठीक है, अब जो हमें पूछा जा रहा है कि एक्चुअल लेंथ कितनी है, तो हमारे पास एक्चुअल लेंथ आ जाएगी 3 गुना ज्यादा है ना किसके, एक्चुअल विड्थ के, उससे इसको कर दें मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या आंसर मिलेगा, 54 सेंटीमीटर। ठीक है, 54 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन डी पे मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 एंड विड्थ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन एक्स इक्वल है 2 के। एक्स की वैल्यू दे दी गई है, 2 एक्सप्रेशन दे दिए गए हैं जो कि लेंथ में और विड्थ में है। ठीक है, हमें रेक्टेंगल का एरिया बताना है, वो हम जब बता सकते हैं जब हम इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर लें, वो कैसे, जब हमें एक्स की वैल्यू गिवन है तो हम एक्स की वैल्यू को पुट करते हुए बआसानी लेंथ भी और विड्थ भी एक एक नंबर में कंप्यूट कर सकते हैं। एक्स इक्वल है 2 के ना, एक्स क्यूब, तो हम यहाँ पुट कर दें, एक्स की वैल्यू हमें 2 गिवन है ना, क्यूब फॉर्म में, माइनस की साइन, इसमें भी वही x की वैल्यू पुट कर दें जो कि है 2 प्लस ये वाला 2 नंबर ले लिया। ठीक है, हम जानते हैं कि 2 की पावर क्यूब में है, मींस ये 2 को क्यूब फॉर्म में लाएंगे तो 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा, माइनस ये 2 रखा हमने और ये प्लस 2। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि एक प्लस में और एक माइनस में ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और क्या रह जाता है हमारे पास, 8 रह जाता है। दूसरा तरीका ये है कि प्लस के नंबर को पहले प्लस कर लें, 8 और 2 10 हो जाएंगे, 10 में से 2 को लेस कर दें, यही 8 आ जाएगा, यानी लेंथ हमारी आ गई कितनी, 8। ठीक है, विड्थ के लिए कंप्यूट करते हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 ले लिया, 2 2 4 हो गए, विथ हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब हमें एरिया का फॉर्मूला पता है कि ए इक्वल है एल मल्टीप्लाई होगा किससे, विथ से। लेंथ हमारे पास कितनी थी, 8, मल्टीप्लाई कर दें, विथ हमारे पास कितनी है, 6, क्या आंसर आएगा, 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 48। ठीक है, और ये ऑप्शन कहाँ मौजूद है, ये ऑप्शन सी में मौजूद है, सी इज करेक्ट आंसर। ये हमने IBA का 2018 का JST का एक डिस्ट्रिक्ट का पेपर उठाया था और उसके जो 2 वीडियो पे मुश्तमिल MCQs को सॉल्व किया है। मज़ीद और डिस्ट्रिक्ट के पेपर भी जो 2018 के हैं इंशाल्लाह हम अपने चैनल पे उसको सॉल्व करेंगे और आप लोगों के लिए प्रिपरेशन में जिससे आसानी हो जाए, और साथ ही आप हमारी वीडियोस को देखते रहें और कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।